साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा की भांति आप लोगों के सामने ऐसे किस पंचांग रखा हूँ और इसी के माध्यम से विशेष बताने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से समझें और आप लोगों को भी संतुष्टि हो कि नहीं, जो भी बताया जा रहा है वो पंचांग के माध्यम से ही और अन्य पुस्तकों के माध्यम से ही बताया जा रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूं, मैं शास्त्रों में वर्णित जो भी बातें लिखी गई है उसी को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि आप लोगों को समस्याओं से निदान मिल सके और आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। साथियों आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत से कमेंट ऐसे आए कि हल प्रवण मुहूर्त तो आप सर डाल दिए हैं, खेत जोतने का भी मुहूर्त आप डाल दिए हैं, लेकिन धान रोपने का मुहूर्त कौन होता है इसको जरा आप डालें। तो मैं आप लोगों की बातों को मान करके और एक धान रोपने का मुहूर्त को मैं अपने अन्य पुस्तकों से तथा पंचांग के माध्यम से चयन किया हूं, जो आप लोगों के सामने रखता हूं, आप लोग समझें और सीखें। जैसे देखें धान रोपने का मुहूर्त विचार, यानी धान हम लोगों को कब रोपना चाहिए। साथियों अब देहात में देखते होंगे, गांव में दूर दराज में देखते होंगे कि जिस समय हमको धान की रोपनी करनी हो, धान की रोपाई करनी होती है, तो उस समय हम लोग शुभ मुहूर्त को देखते हैं, कौन सा मेरा दिन सही है, कौन मेरा मान है, कौन मेरा कुलमान है, इस सब को मान करके वर्जित करते हैं और अपना शुभ दिन देख करके ही वो धान की रोपाई शुरू करते हैं। तो हमें इसका भी चयन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा खेती है प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक के खेतों में पौधे डालना है और डाल करके उसको उसमें से अनाज उत्पन्न करना है, अनाज को पैदा करना है। तो ऐसे ऐसे कार्यों के लिए हमें मुहूर्त निश्चित ही होता है जो शास्त्रों में वर्णित है। मुहूर्त चिंतामणि भी यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका वर्णन दिया हुआ है। आए हम लोग देखें नक्षत्र। नक्षत्र यानी विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, मूल रेवती, सतभिषा नक्षत्र, पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में धान, देखिए मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, मैंने काटना लिख दिया है जबकि रोपना होगा, रोपने चाहिए, धान रोपने चाहिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो हमको इस सब मुहूर्तों में, इस सब नक्षत्रों में धान की रोपाई करनी चाहिए। आगे देखें वार कौन शुभ है। वार जो है शनिवार मंगलवार, ये दोनों दिन को छोड़ दें, ये दोनों दिन को छोड़ करके आप अन्य दिनों में धान की रोपाई का प्रारंभ करें। आगे देखें तिथि, तिथि कौन शुभ है, रिक्ता तिथि, यानी रिक्ता तिथि शुभ नहीं है, अशुभ है, देखिए भूल हो रहा है, रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीनों तिथियों को छोड़ करके, यानी ये तीनों तिथि जो है रिक्ता तिथि कहे गए हैं। रिक्ता तिथि में कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप ये देखें कि जो नक्षत्र पड़े, मुवार पड़े और ये चार, नौ और चौदह ये तिथियां न पड़े, तो आप लोग को ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य में के करने से आपको सफलता मिलती है। साथियों कोई भी कार्य करने से पहले हमको शुभ मुहूर्त को देखना बहुत जरूरी होता है। आप इसका विचार करें, अध्ययन करें, सीखें और दूसरों को भी बताएं। साथियों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसी प्रकार की कमी हो उसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ पर त्रुटि हो रहा है, आप जरा इसको बढ़िया से विस्तार से समझाएं। मैं उसका कोशिश हमेशा करते रहता हूँ और करूँगा भी, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा ज्ञान और सरलता पूर्वक आप लोगों को मैं बताऊँ, ताकि आप लोगों का ज्ञान और आगे बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।